टीना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम किसी को फोन कर रही हो और वो फोन नहीं उठा रहा, मतलब वो शख्स बिजी हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है तुम बार बार फोन करके तंग करो, सबर किया करो। सारी कभी अपनी जात से बाहर निकल के किसी दूसरे का भी सोच किया करो। मैं समझ लेती कि बिजी हो कॉल नहीं पिक कर सकते, लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि अगर बार बार कर रही हूँ तो कोई मजबूरी होगी ना। जानता हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी। अच्छा क्या जानते, बताओ जरा। यही कि मेरी मोहब्बत तुम्हें बेचैन लगती है, यही ना। तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तो तुम्हारा एटीट्यूड परेशान करता है मुझे। मैंने क्या किया है? कौन है, क्यों नहीं उठा रही हो? मामा है, परेशान हो रही होंगी कि अभी तक घर क्यों नहीं आए। अगर उन्हें इतनी फिक्र हो रही है तुम्हारी, तो वो तुम्हें बाहर आने क्यों देते, बिठा के रखे उस इन्वेस्टिगेशन सेल में तुम्हें। मेरी फिक्र इसलिए है सारिम, क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं होती कभी भी किसी की फिक्र, और मुझे लगता है हर किसी को अपनी फिक्र खुद ही करनी चाहिए। बहुत पतले पतले नहीं लग रहे हो आज? टीना मैं बिल्कुल वैसे का वैसा। दरअसल तुम्हारा मुझे देखने का जो अंदाज है ना, वो हर रोज बदल जाता है, इसलिए तुम्हें मैं बदला बदला सा लगता। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती सारे। तुम मुझे ये बताओ कि कब आओगे तुम हमारे घर? तुम्हारे घर? हाँ मेरे घर, अपनी फैमिली के साथ। Excuse me, any problem? Problem में तो तुम लग रही हो मुझे। हाय शिजाब, टीना ये शिजा है मेरी दोस्त, और शिजा ये। इसके तारुफ की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ बैठी हर लड़की का तारुफ एक ही होता है, इसका भी यही होगा। तमीज से बात करो। Hey girls, relax. टीना दरअसल शिजा की ना तबीयत खराब रहती है। शिजाब कैसी तुम्हारी तबीयत? सुना है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी तुम, शहर भी छोड़ दिया था, तो ठीक हो ना? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पागल थी ये? ऐसा ही समझ ना। हेलो मामा, अभी कुछ ही देर में घर से आए हुए। क्या